जी नमस्कार सभी साथियों को, नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं जी। तो भाई आज का व्लॉग इस प्रकार होने जा रहा है भाई, नेक्स्ट ट्रिप की हो चुकी है तैयारी और ट्रिप पे निकल चुके हैं। रास्ते में भाई व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था गाड़ी चलाने में, और फिलहाल जा रहे हैं भाई, वही है पहाड़ बुला रहे हैं, वो आगे दिखाएंगे आपको जा कहाँ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल भाई ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी फिलहाल हम हैं भाई कुरुक्षेत्र के आसपास, तो ये देख लो भाई चंडीगढ़ से भी आगे जाना है। तो जी मिलते हैं। तो भाई राहुल गांधी के चक्कर में हम जाम में लिए हैं फंसे। अरियो गांधी परिवार ने ईसा खुला छोड़ रखा माने से कितना जाम लगवा दे है। तो थोड़ी बहुत गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। तो भाई यहाँ पर रुके एक बार चाय पीने के लिए, और बढ़िया धुंध हो रखी है। ये देखो इधर पीछे खेत वेत है, तो अपने चाय वाय पी के निकलते हैं। समय हो चुका जी 6 बज के। तो यहाँ पर इधर ये बैकग्राउंड है, तो व्लॉग में बने रहिएगा जी, मिलते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग गाइस, रात को भाई लेट हो गए थे, और ये देखो भाई यहाँ पर नया सेटअप तैयार हो गया बोन फायर के लिए। पिछली बार देखा होगा आपने, और रात को हम यहाँ बैठे थे, और ये हमारी गाड़ी रही, और गाड़ी आ चुकी है नीचे, और ये देखो भाई रोड हो चुका है तैयार। तो रात को बिल्कुल नीचे ही ले आए थे अपने, इधर से पैदल पैदल होते सामान लेके आ गए। तो चलो भाई देखते हैं, चाय वाय बनने लग रही है अभी, सभी लगे हुए हैं अपने इधर उधर, तो मिलते हैं जी। तो ये देखो भाई मैं आया था चेक करने के लिए, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी सेडान है, तो मखा देखते हैं कैसे जाएगी। यहाँ पर थोड़ा इजीली चढ़ी गई, तो इस प्रकार है भाई, ये थोड़ा थोड़ा कॉर्नर से रह चुका है, ये भी हो जाएगा पूरा, और जाते टाइम अपना कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो भाई वो सामने उधर रिजोर्ट का नजारा, और अभी थोड़ा सा यहाँ भी काम रह रखा है, तो अभी थोड़ा समय और लगेगा। तो चलो भाई चाय वाय हो चुकी है, बस चाय पीते हैं, फिर चाय पे चर्चा करते हैं। चलो पहले चाय पे चर्चा। तो ये हो रहा है भाई हमारा ब्रेकफास्ट, और यहाँ सभी लगे हुए हैं पतीले को चाटने में, ठीक है। ये देखो सभी का क्यों नाम ले रहे हो, मुझसे मैं लगाऊंगा। हाँ तो सभी लगे हुए हैं ना, सबको बदनाम कर देते हैं, है ना, किसको पता लग रहा है। ये देखो भाई ये चम्मच में ना चाटियो, अरे ब्याह में फिर मी बरसेगा। और हर्ष ने सुबह सुबह धुआं कर दिया, और इधर ये मंडप तैयार हो चुका है भाई, क्यों अभी बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं भाई, सब का ब्याह ही बड़े रहेंगे, शादी यहीं होया करेगी। अब उड़े इतनी बड़ी वाटिका बुक करा, कितने रुपए ले ले हैं। चार आदमी आगे ले लियाओ, चार आदमी अपने ले आओ। तो भाई ये देखो मौसम, और यहाँ पर हो चुकी है हमारी खाने की तैयारी। ये देखो भाई आलू पूड़ी बन रही है, और यहाँ लड्डू अपने भाई धूप में, और सब सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में, सब व्यस्त हैं।
तो भाई मैं तो नहा धोके रेडी हो चुका हूँ। ये सुगले बनी हुए बैठे हैं और पूरी तरह लाग लिए। और ये देखो कमरे का हाल, मारे सब अस्त अस्त व्यस्त है। और अच्छा फिर कहाँ चलना है? ये छोटा भी नहा लिया और वो छोटी जा रही है नहाने। हाँ भाई तू यो नहा में नहीं गया छोरा, कल नहाया था यो। ठीक है सारे नहाए सारे। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइज चल चुके हैं भाई, सभी नहा धो के रेडी हो गए। 2 बज चुके हैं भाई और एक गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है और वहाँ से हमें रोड से सीधा ऊपर जाना है और फिर ऐसे घूमते घूमते हम चलेंगे हिमाचल की तरफ। तो मौसम भाई ख़राब होता जा रहा है, सूर्य देवता भी छुप चुके हैं बादलों में। तो चलो जी मिलते हैं आपसे रास्ते में। हमारा पॉइंट जहाँ हम हर बार आके बहुत 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 खुश होते हैं। ये देखो यहाँ की जो है छटा लगी है, ये बड़ा चौड़ा रोड और ये बहती हुई नदी। अभी आपको दिखाते हैं उतर के कितना पानी है इसमें। तो ये देखो भाई नज़ारा, और ठंड हो रखी है भाई इधर। सभी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं और ये आपने हमारे व्लॉग में पहले भी देखी होगी ये वाली नदी। वही थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि भाई बरसात में यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है। तो ये देखो भाई चाय और समोसों की पार्टी करने के बाद हम आ चुके हैं काली मंदिर में और भाई यहाँ भी अपने दर्शन करके निकल जाते हैं। इसमें हम पहले भी आ चुके हैं, आपने पिछले व्लॉगों में देखा होगा। ये सामने यहाँ पर भंडारा चलता रहता है। अब तो भाई 5 बज चुके हैं, फिलहाल तो कोई नहीं मिलेगा गाड़ी। तो ये देखो भाई यहाँ की टेक्निक लकड़ियाँ निकालने की, रस्सी से वहाँ नीचे बीम बांध रहा है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई। और अभी ये ऐसे खींचा जाएगा। तो चलो तो ये देखो भाई लकड़ियाँ ले आए हैं और यहाँ पर लकड़ियों का छोटे छोटे हिस्से किए जा रहे हैं। और ये हमारा शाम का हो गया भाई पार्टी का सेटअप। यहाँ पर बोन फायर होगी और इधर भाई अपनी खटिया डल चुकी हैं, बाकी कुर्सियां आ जाएंगी। तो फुल सेटअप तैयार।